13 नवंबर 2022 दिल्ली के एक बिजनेसमैन को काफी दिनों से अजीबोगरीब अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक बिजनेसमैन आदमी को दिन में बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो कि बेफालतू के होते हैं। इसी ख्याल के साथ कुछ दिन तो उस आदमी ने सारी मिस कॉल्स को इग्नोर किया, लेकिन पता नहीं उस मनहूस तारीख को वो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उस रात 7 से 8:44 के बीच में उसने एक मिस कॉल का आंसर दे दिया और एज एक्सपेक्टेड कॉल बिल्कुल ब्लैंक थी, जिसमें सामने से ना तो कोई कंपनी वाला बात कर रहा था और ना ही कोई और शख्स या ऑटोमेटेड वॉइस। शमशेर सिंह नाम के उस व्यक्ति ने सोचा कि यूं ही कोई परेशान करने के लिए ये सब कर रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका, क्योंकि उनके बैंक से कुछ मैसेज आए थे जो बेसिकली ये कह रहे थे कि उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। बंदे ने सोचा कि उसने तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, फिर किसी और ने कितने ही पैसे निकाले होंगे। लेकिन जब उसने मैसेज खोले तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसके अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ चुके थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो बिना किसी परमिशन के शमशेर भैया को इतना बड़ा चूना लग गया? वेल, मैं हूँ सैम और आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्केट में आए इसी नए स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आपने नहीं जाना तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। वैसे तो आपको रेडियो पर, टीवी पर या इवन सोशल मीडिया पर आरबीआई और बाकी बैंकों की काफी सारी एड्स मिल जाएंगी, जिसमें चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है कि कभी भी आपको किसी अनजान व्यक्ति को अपने फोन पर आए ओटीपी के बारे में नहीं बताना चाहिए। लेकिन शमशेर के केस में किसी को ओटीपी बताना तो छोड़ो, उनके फोन में खुद कोई ओटीपी आई ही नहीं थी। फिर पैसे उड़े कैसे, इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और सामने आया सिम स्वैपिंग का मामला। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना, और इस केस में भी शमशेर के सिम कार्ड को किसी दूसरे कार्ड से स्वैप करने की उम्मीद करी जा रही है, यानी वो फोन नंबर जिसे आप यूज कर रहे हैं अपने फोन में, उसी सेम नंबर का एक्सेस दूसरे सिम कार्ड के साथ दूसरे व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगा, जिसका मतलब आपके नंबर पर आने वाली हर एक कॉल उस दूसरे सिम पर भी रीडायरेक्ट होगी जो इस वक्त स्कैमर के पास है, लेकिन आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। वेल, इसका तरीका बहुत आसान है, लेकिन चेतावनी के लिए बता दे कि ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दी जा रही है। अगर बिना किसी अथॉरिटी के आप इसे इनलीगली ट्राई करेंगे तो आपको लंबी जेल भी हो सकती है। सबसे पहले स्कैमर्स क्या करते हैं कि वो आपकी सारी डिटेल्स चुराते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल से पर्सनल डिटेल स्टील की जाती है। इन डिटेल्स में आते हैं आपके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी कार्ड्स, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि आपकी फोटोग्राफ, आपकी पर्सनल चैट्स, आपके पर्सनल फाइल्स और ऐसे ही बहुत सारा डाटा जो आपने सबसे करीबी लोगों को भी नहीं बताया होगा, जैसे कि आपके पासवर्ड्स, आपका यूपीआई पिन, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर, उनकी एक्सपायरी डेट, सीवीवी वगैरह, ये सब कुछ हैकर्स या स्कैमर्स आप जो करना चाहे वो अलग अलग तरीकों से आपके डिवाइसेस से चुराने का काम करते हैं और उन्हें एक जगह पर स्टोर कर लेते हैं ताकि वो आगे काम आ सके। और इतनी सारी पर्सनल डिटेल्स निकालना इस काम का सिर्फ पहला स्टेज ही होता है। खैर, ये बातें सुनने के बाद निश्चिंत मत हो जाइएगा कि आपने तो किसी को ये सारी चीजें दी ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में बिना आपकी जानकारी के आपकी प्राइवेसी को छेड़ते हुए कुछ भी जानकारी निकाली जा सकती है। और इन पर्सनल डिटेल्स को निकालने के लिए दुनिया भर में मेजरली 3 तरीके ही फेमस होते हैं और आपका इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है। ये तरीके होते हैं फिशिंग, विशिंग एंड स्मैशिंग। सबसे पहले आता है फिशिंग। इसमें स्कैमर्स आपके ईमेल एड्रेस पर मेल्स कुछ ऐसे यूजर नेम से इतनी डिजाइनिंग के साथ भेजते हैं कि कोई असली और नकली में फर्क करना ही भूल जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे गूगल की ऑफिशियल मेल आईडी है support@google.com, ये आईडी पूरी तरह से ओरिजिनल है और आपको देखकर पता चल रहा है कि हाँ, ये गूगल की ही होगी। लेकिन स्कैमर्स क्या करते हैं, google support@gmail.com नाम से मेल आईडी बनाकर आपको मैसेज करेंगे, ये कहते हुए कि कोई और आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है या गूगल आपको कोई ऑफर देना चाह रहा है, जिसके बदले में या तो आपको मेल आईडी में फाइल अटैचमेंट दी जाती है जिसमें किसी तरह का वायरस होता है, या फिर वो ईमेल आईडी आपको किसी दूसरे पेज पर भेज देती है जो हूबहू गूगल की तरह ही लगता है। हर किसी को ये छोटी जानकारी नहीं पता होती, तो ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि उन्हें मेल तो गूगल की तरफ से ही आया है, जिस वजह से वो सारी चीजें एज इट इज कर देते हैं और बूम, पैसा या डेटा साफ और आप सड़क पे। इसके बाद आता है विशिंग, जिसमें फ्रॉडस्टर्स आपको कॉल करते हैं
और दिखावा करते हैं जैसे वह किसी कंपनी से बोल रहे हैं, और आपको विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जॉब कंपनी के लिए वेरिफिकेशन के बहाने से, किसी लॉटरी जीतने का छलावा देकर, या बैंक वालों की तरफ से होने का झांसा देकर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स निकलवा लेते हैं, या कई बार अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं, और फिर बहती हवा की तरह ऐसे गायब होते हैं कि भनक तक नहीं लगती। आखिरी और सबसे पॉपुलर तरीका होता है स्मिशिंग का, जिसमें स्कैमर्स आपके फोन में SMS भेजते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, जिसके बाद आपको किसी लिंक पर भेजा जाता है, और उसी लिंक से आपके फोन पर मौजूद आपके द्वारा विजिट की गई वेबसाइट पर मौजूद सारा डेटा उड़ा लिया जाता है। इसके बाद चालू होता है इस काम का स्टेज 2, जिसमें इकट्ठा की गई जानकारी की मदद लेकर विक्टिम के फेक आईडी कार्ड्स बनाए जाते हैं। और आजकल के जमाने में ये सब इतना आसान होता है कि इसे सुनकर आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। भाई, स्कैमर्स के पास आपकी फोटो है, आपकी आइडेंटिटी कार्ड का नंबर है, आपका बैंक अकाउंट का नंबर है, आपकी हद से ज्यादा पर्सनल डिटेल भी है, तो उसके लिए आपकी नकल करना कितना ही मुश्किल होगा। फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाने के बाद फ्रॉड करने वाले स्टेज 3 में टेलीकॉम सर्विसेज को फोन करते हैं, और ज्यादातर फोन चोरी होने का या सिम टूट जाने का बहाना देकर उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि उस सिम को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति आप ही हैं, और जिस वजह से कुछ समय बाद टेलीकॉम कंपनी उस नंबर पर एक्सेस दूसरे सिम को डाइवर्ट कर देती है, और बस चुटकियों में ऐसे सिम कार्ड स्वैप होते हैं। हालांकि यहाँ पर टेलीकॉम वालों की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो भी तो आखिर डिटेल्स का ही भरोसा करेंगे, और सिम चोरी होने का मामला इतना संगीन होता है कि अगर बहुत ज्यादा देरी कर दी गई तो कई बार उसी सिम से गैर कानूनी काम भी किया जा सकता है। इसलिए इसी गड़बड़ी का फायदा उठाकर स्कैमर अपना दांव खेल जाते हैं, और फिर उसी सिम कार्ड की मदद से बैंक वेरिफिकेशन करवा कर सारा पैसा उड़ा लेते हैं। पुलिस और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ऐसा अनुमान लगा रही है कि इस फ्रॉड की जड़ें झारखंड के जामताड़ा से जुड़ी है। हाँ हाँ, वही जामताड़ा जिसकी आपने नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखी होगी। लेकिन इस केस में मिस्ड कॉल आने से पहले कैसे उड़ गए, जब ये सवाल क्राइम ब्रांच से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में इसका जवाब दिया। पहले क्या होता था कि जब भी कहीं पर वेरिफिकेशन करने के लिए OTP मांगी जाती थी तो वो हमेशा आपको फोन में SMS के रूप में ही आती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से बहुत सारी कंपनीज ने OTP भेजने का एक नया तरीका आजमाया है, जिसमें बेसिकली आपको कंपनी एक IVRS यानी इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स के साथ कॉल करती है, जिसमें ऑटोमेटेड तरीके से आपको OTP बताई जाती है। साइबर क्राइम का ऐसा मानना है कि पहले स्कैम करने वालों ने शमशेर के साथ सिम स्वैप कर लिया, और उसके बाद उनके फोन पर लगातार IVRS वाले कॉल किए, जिन्हें शमशेर ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन अंततः जब शमशेर ने उस कॉल को उठाया तो उन्हें कुछ सामने से इसलिए नहीं सुनाई दिया क्योंकि वो कॉल पिक किए जाने के बाद सीधा स्कैमर्स के फोन पर ऑडिबल हो गई, जहां उस ऑटोमेटेड वॉइस से आने वाली OTP को स्कैमर्स ने पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया, और तुरंत शमशेर के अकाउंट से अपने अकाउंट में 50 लाख का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS करवाया। क्योंकि एक तो RTGS में हमेशा 2 लाख से ऊपर का ही अमाउंट ट्रांसफर होता है, और दूसरी बात यह कि जहां NEFT को प्रोसेस होने में करीब 2 घंटे का वक्त लगता है, वही RTGS से ट्रांसफर की गई अमाउंट तुरंत एक बैंक से दूसरे बैंक में चली जाती, ताकि बैंक वेरिफिकेशन होने के साथ साथ अगर किसी को शक हो तो वो भी बंदा क्लेम ही ना कर पाए। और ज्यादातर केसेस में पैसे उड़ने के बाद सबसे पहले इंसान पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाता है, और उसके बाद साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेंट की जाती है, और दुनिया भर का प्रोसीजर होता है। तब तक फ्रॉड करने वाले अपना बोरिया बिस्तर बांध के लोकेशन चेंज कर लेते हैं, और 90% केसेस में कभी उनका पता ही नहीं चलता। सिम स्वैप को डिटेक्ट करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, जैसे अगर आपको रोजाना से कम SMS या कॉल्स आ रही हैं, तो इसका कारण सिम स्वैपिंग भी हो सकता है, या फिर 1-2 बार तो इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर कई बार आपके संपर्क में आने वाले काफी लोग इस बात की शिकायत करें कि उन्होंने कॉल आपको मिलाई थी लेकिन सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, या फिर आपके अलावा कॉल किसी और को डाइवर्ट हो गई, तो ये सचेत होने वाला वक्त है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका सिम स्वैप हो चुका है। इसके अलावा अचानक आपके नेटवर्क चले जाना, आपके सोशल मीडिया या बाकी अकाउंट्स जो आपके नंबर से लिंक्ड है उनमें किसी तरह का बदलाव देखना भी संकेत हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो चुका है। इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिन्हें आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आपको ऐसा शक हो रहा है कि आपका सिम स्वैप हो चुका है, तो लापरवाही करने की बजाय तुरंत अपने सिम प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट कीजिए।
हो सके तो कंपनी से भी बात कीजिए ताकि वो अपनी डेटा में से चेक करके बता सके कि कहीं उन्होंने आपके सिम का एक्सेस किसी और को तो नहीं दे दिया। दोस्तों, ये स्कैम मार्केट में अभी अभी आया है और लोगों के लाखों पैसे उड़ा चुका है। सोचिए, अगर कोई बाप अपनी बेटी के लिए सालों से पैसे जोड़ रहा है और एक मिस्ड कॉल से उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी। और जबकि इस स्कैम के लिए अभी अवेयरनेस नहीं फैल रही है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका कोई रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त इसका शिकार न बन पाए। जय हिंद।